नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आया हूँ सतपाल भाई के पास, सतपाल और पटीला और गांव है रोना जो कि खरकोदा के पास सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, और मैं इन भाई के पास आया हुआ हूँ और ये मेरे मित्र हैं और इनकी एक मदिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, इस वजह से यहाँ पे आया हुआ हूँ और खासकर इस बीमारी को आप लोगों के सामने लाने के लिए और बताने के लिए कि ये है क्या चीज़। दोस्तों ये कैंकर है और इस बीमारी को कैंकर बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये मादिन, और इसके खास इसी के लिए आया हूँ मैं और मकसद मेरा यहाँ आने का इस मादिन के लिए है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके इलाज के बारे में। और भाई वो टैबलेट थी और एक बार फिर गांठ में देखिए, गांठ दिखा देंगे और ये देखो ये बेचारी मादिन है जो ये बिल्कुल दाना उठाने में भी असमर्थ है। रुक जा भाई तेरा इलाज करांगे यार। बीमारी ये है जो इसके गले के अंदर हो गई है, और इसका पहले तो आपको इसका कारण बता देता हूँ। एक तो जो आप लोग या कोई भी है वो जो दाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, दाना कुछ गीला दाना जो बाहर पड़ा हुआ है उसको ये खा लेते हैं, या कुछ गंदा पानी पीने की वजह से भी ये बीमारियां आ जाती हैं। और ये बीमारी एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, अगर कोई बाहर का कबूतर आपके पास आता है और उसको ये इन्फेक्शन है तो ये अपने कबूतरों में भी आ सकता है भाई। और एक भाई ने और गलती की थी इसके साथ, कुछ झाड़ू की सीख वगैरह से इसको सफाई कर दी थी। दोस्तों ऐसा ना करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता है, और अगर आपको ये इसके मुंह का जो निकालना है गंद निकालना है तो इसकी पर ले सकते हैं आप, पर जो इस तरफ से पकड़ लें, एक कोई पूंछ की पर है भाई तो को खाने में एक पर दोस्तों अगर आपको पर लेनी है ना तो ये इसका ये सिरा लेके और इससे आप इसका जो ये अंदर इसका गंध है इसको निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं क्योंकि इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता। और ये दो टैबलेट आपको लेनी है, इसमें आपको एक ये टेट्रासाइक्लिन की जो 250 mg का कैप्सूल है टेट्रासाइक्लिन ले लीजिए, और इसमें से आधा कैप्सूल आप 20 ml पानी में ये कैप्सूल आप मिलाइए और आधा कैप्सूल इसमें से दे दीजिए, एक टाइम दिन में दो बार दीजिए, शुरू वाले दो दिन और तीसरे टाइम एक टाइम देना है। और ये मेट्रोजिल की टेबलेट है, मेट्रोजिल 400, मेट्रोजिल 400 इस टेबलेट का आपको 1/4 हिस्सा लेना है, चौथा हिस्सा लें और इसको भी बारीक पीस के और इंजेक्शन के द्वारा इसके गले में डाल के पानी दे दें, पानी के साथ दें, दोनों कैप्सूल को मिला के ये टेट्रासाइक्लिन, या अगर टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल नहीं मिलता है तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी ले सकते हैं, जिससे ये कैप्सूल काम करता है जो इसको इन्फेक्शन है उसको यहीं पर रोक देगा। और जो ये मेट्रोजिल की टेबलेट है, ये टेबलेट इसकी जो ये बीमारी है इसके इलाज के लिए ही ये इसको ख़त्म करेगी। ओके दोस्तों, और दोस्तों भाई के कबूतरों का भी आपको शौक करवाते हैं, और बहुत ही अच्छे परिंदे रखे हुए हैं और छोटा सा शौक किया हुआ है, बढ़िया शौक कर रखा है। दिखा दो एक बार, सारे नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल है, बस इससे बच्ची में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा दिक्कत है। और एक काम और करना है भाई, हल्दी और तेल मिला के और इसकी पंख की गिलाई लगा दी, पंख के साथ है, इसके गले में लगा दी, तो यू है ना यू इन्फेक्शन।
ओके दोस्तों ऐसे ही आपको शौक भी करवाता रहूंगा और दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, जितना मेरे को पता है उतना मैं बताऊंगा, और जो नहीं पता है आप जैसे भाइयों से, जैसे किसी को पता है उससे पूछ के आपको जरूर बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों, जिस तरीके से भी मेरे को मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस तरीके से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।